नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आप नियमित रूप से चूरू अपडेट देख सकते हैं शेखावटी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 154, हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही फेसबुक पेज पे। और आइए नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला कलेक्टर संदेश नाइक ने अधिकारियों से कहा है कि आमजन से जुड़े मुद्दों का त्वरित निस्तारण करें और बजट घोषणाओं का समुचित अध्ययन कर उनके क्रियान्वयन में तेजी लाएं। जिला कलेक्टर आज कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में जिले से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों के संबंध में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुँचनी चाहिए। चूरू के जयपुर रोड स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आज जिले भर के विद्युत तकनीकी सहायकों को कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव एवं दुर्घटना के बाद किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी। निगम के अधीक्षण अभियंता के कस्वा ने बताया कि बिजली सुधार के कार्य के वक्त तकनीकी कर्मचारी दस्ताने पहने व बिजली के पोल पर चढ़ते समय हेलमेट का उपयोग करें। कि मैंने काटा इसलिए सिस्टम तो डिस्चार्ज, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण से दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना को कैसे, सबसे पहले आज हम उस पर बात करेंगे कि हम क्यों ना ऐसा व्यवस्था करने की दुर्घटना हो ही ना। मतलब अगर आप रोज बाथरूम को साफ करेंगे तो काई नहीं जमेगी, नहीं जमेगी ना, काई नहीं जमेगी तो पैर फिसलने के चांस नहीं रहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जमने देते हैं, इकट्ठा होने देते हैं और फिर वो एक दिन हमारे लिए, यही हमारे यहाँ पे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि दुर्घटना के कारण जो पैदा होते हैं वो नहीं हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने तंत्र को सही रखना चाहिए। जिला कलेक्टर संदेश नायक की पहल पर जिले में चलाए जा रहे नो सिंगल यूज प्लास्टिक अभियान में सिद्धपीठ सालासर के लोगों ने एक बार फिर अग्रणी भूमिका निभाते हुए सालासर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लिया। इसी सिलसिले में आज निकाली गई रैली को जिला कलेक्टर संदेश नायक ने हरी झंडी दिखाई और आम जन को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करने की प्रेरणा दी। देखिए, प्लास्टिक और स्वच्छता दोनों हैंड इन हैंड जाती है, एक ही साथ जाती है। इसका मुहिम हमने कुछ महीने पहले ही शुरुआत किए थे। यहाँ काफ़ी हमने यहाँ के जनप्रतिनिधि है, यहाँ के पुजारी वर्ग है और यहाँ का व्यापारी है, उनसे हम चर्चा कर रहे थे। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा, ये जन आंदोलन नहीं होगी, लोग इसमें जुड़ेंगे नहीं, तब तक जो हम चाहेंगे वो होगा नहीं। ये कोई सरकारी स्कीम नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान है, ये एक जन आंदोलन है, लोगों की जुड़ाव है। तो हम चाहेंगे कि प्लास्टिक या हो या स्वच्छता हो, ये एक टेंपल टाउन है, टेंपल एक सिद्ध पीठ है, तो लोग यहाँ के अपने आप में इसमें जितना वर्जित करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा जिले में 9 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्वीकृत किए गए हैं। संयुक्त निदेशक डॉ. जगदीश प्रसाद बरबड़ ने बताया कि जिले के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के गागड़वास व ढिगारला, तारानगर विधानसभा क्षेत्र के झाड़सर, कानलान एवं पुनरास, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के घंटियाल बड़ी व बालेरा में, सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र के खेजड़ा, दिखनादा व सिकराली में व रतनगढ़ के भावन देसर में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के आगे आज तारानगर तहसील के गांव साथियों के ग्रामीणों ने गांव की ही एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मुकदमे में पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया है। वहीं इस मौके पर गांव के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर इस मामले पर उचित कार्रवाई करने को कहा है। ज्ञापन व धरने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। हमारे गांव से एक बच्ची का, सुनील साण निवासी गोबोर, 9 तारीख को बच्ची खेत से आ रही थी, उस समय उसका अपहरण कर लिया गया और गांव साथियों की ओर से गांव की इज्जत का अपहरण होने के कारण से हम यह आज धरने पर आए हैं। और पुलिस प्रशासन है वो इस मामले में, यानी 20 दिन हो गए,
उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और हम उचित कार्रवाई करने के लिए ये हमारी मांग है कि बच्ची है उसको वापस पुलिस प्रशासन लाए और हमें सुपुर्द की जाए। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज रतनगढ़ नगर पालिका की बजट बैठक में 74,36,00,000 रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह बजट शहर में होने वाले विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। वहीं इस बजट में युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब नगर पालिका द्वारा स्टेडियम में 1 करोड़ की लागत से जिम व गार्डन का निर्माण करवाएगी, जो शहर के युवाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पना कात की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर के अनेक पार्षदों सहित अधिकारी मौजूद रहे। बजट की बैठक थी और बजट की बैठक में हमने वित्तीय वर्ष जो है 2020-21 इसके लिए और बजट पारित किया है। कुल जो है वो 74.36 करोड़ का बजट हमने इस वित्तीय वर्ष के लिए रखा है, जिसमें विकास कार्य भी शामिल है। विकास कार्यों में जैसे अपने विभिन्न स्थानों पर जो शहर के अंदर अख्तियार हैं उनके प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ शहर का सौंदर्यकरण का भी हमने इसमें रखा है बजट। उस संगम चौराहे पर और जो है सर्किल बना हुआ है वो बड़ी बुरी हालत है उसकी, तो उसका सौंदर्यकरण किया जाएगा। लाइटिंग लगाई जाएगी, बार बार वहां दुर्घटनाएं होती है तो उसको किया जाएगा। इसके साथ साथ हमने युवाओं को इस बजट में विशेष स्थान हमने दिया है। युवाओं के लिए हमने स्टेडियम को और इसमें कार्य करवाएंगे। स्टेडियम में से एक ट्रैक बनेगा, ट्रैक बन 400 मीटर का ट्रैक बनेगा और एक जिम बनेगा, अत्याधुनिक जिम वहां बनाएंगे। साथ साथ वहां पर व्यायाम भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने वहां पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक छोटा सा ओपन जो है वो गार्डन भी रखा है, जिसमें वो बच्चे हैं वो उनको स्टेडियम में आने की आदत है। और डिवाइडर और जो फुटपाथ है उनका भी हम सौंदर्यकरण करेंगे। ऐसा हमने ऐसा एक विस्तृत बजट हमने इस बार दिया है जो इस नगर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। रतनगढ़ में आज शहर के युवाओं ने बस स्टैंड पर नवनिर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स को शुरू करवाने व बस स्टैंड की सफाई करवाने की मांग को लेकर SDM गौरव सैनी के माध्यम से जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि बस स्टैंड पर 4 महीने से सुलभ शौचालय की सेवा बंद है। नए सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया लेकिन उक्त कार्य पूरा हो चुका है व कॉम्प्लेक्स पर ताले लटके हुए हैं, जबकि बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बस स्टैंड पर जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वहाँ वो 4 महीने से उसका नवनिर्माण चल रहा था। 1 महीने पहले उसका नवनिर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि रतनगढ़ की जनता को प्रशासन द्वारा यह जल्दी से जल्दी इसको चालू करवा कर और सुविधा जो चालू होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि कई दिनों से ये जो बंद पड़ा है इसमें यात्री, राहगीर और बस स्टैंड वासी बहुत ही भयंकर गंभीर समस्या से ग्रसित है। राजस्थानी भाषा और साहित्य के मूर्धन्य विद्वान भंवर सिंह सामोर को देश के प्रतिष्ठित कवि श्री काग लोक साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। श्री काग धाम में गुरुवार रात्रि को आयोजित भव्य समारोह में सामोर को विश्व परम पूज्य संत मुरारी बापू ने अभिनंदन पत्र, शोल, दुपट्टा, प्रतीक चिन्ह और 51,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर मुरारी बापू ने कहा कि राजस्थानी लोक साहित्य की परंपरा को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने में भंवर सिंह सामोर का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने इस अवसर पर भंवर सिंह सामोर की पुस्तक आउआ का धरना के नवीन संस्करण का विमोचन भी किया। चूरू के पुराने पोस्ट ऑफिस के पास आज मधुर स्पेशल शिक्षण संस्थान में बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति कुलेरी का दिव्यांग बच्चों ने माला पहनाकर स्वागत किया। अभिनेत्री कीर्ति कुलेरी ने कहा कि इन बच्चों की सेवा करना ही महान कार्य है, हमें भी इन बच्चों से लगाव रखना चाहिए जिससे बच्चे अपने आप को कमजोर ना समझे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कमांडर KR कुलेरी ने की। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश दड़िया ने भी अपने विचार रखे। काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं यहाँ आऊँ और जो यहाँ पे ये करती हैं उसको देखूँ, बच्चों से मिलूँ, लेकिन somehow नहीं हो पा रहा था स्केड्यूल्स की वजह से। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बार मैं आ रही थी तो मैंने कहा कि मुझे आना ही पड़ेगा यहाँ पे। और मुझे इन चीज़ों से जुड़ने के लिए और इन चीज़ों को
सपोर्ट करने के लिए मुझे किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आई थिंक ये अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुद करने में बहुत खुशी मिलती है। और ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है, ये मेरा खुद कीर्ति होने का हिस्सा है, एक पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा है, मेरी सोच का एक हिस्सा है। और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करती हूँ, और बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से खुशी होती है जब मैं लोगों को दूसरों के लिए ये सब करते हुए देखती हूँ। और हम सब अपनी तरह से अपनी क्षमता में बहुत कुछ करते हैं समाज के लिए, और दीदी जो कर रही हैं, आई थिंक इन बच्चों का ख्याल रखना, इन बच्चों को इन बच्चों के लिए दूसरी माँ बनना, आई थिंक बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। चूरू के खेल स्टेडियम में आज आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में राजस्व कर्मचारियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। एथलेटिक्स, कबड्डी, टेनिस, बैडमिंटन जैसी अनेक प्रतियोगिताएं राजस्थान कबड्डी संघ के ठाकुरमल शर्मा, चूरू स्पोर्ट्स अकेडमी के निदेशक देवेंद्र जोशी और नायब तहसीलदार सुभाष चंद्र के तत्वाधान में आयोजित की गई। इस अवसर पर ठाकुरमल शर्मा ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेलकूद से व्यक्तित्व का न केवल संपूर्ण विकास होता है, बल्कि ये एक सकारात्मकता का कारक भी है। चलो बुलावा आया है ढांडण वाली दादी जी ने, आप सभी भक्तों को अपनी नगरी ढांडण धाम बुलाया है। श्री शक्ति धाम मंदिर ढांडण धाम में होली महोत्सव का उत्सव होली के चंग दादी जी के संग 10 मार्च 2020 दिन मंगलवार को शाम 6 बजे से भावपूर्ण भजन संध्या से होगा। विशेष आकर्षण भजन कीर्तन, भव्य दरबार, अखंड ज्योत, आकर्षक श्रृंगार, 56 भोग और फूलों की होली। होली खेलन ने मेरी मैया। इस मौके पर आने वाले लोगों को विशेष लाभ, दादी जी के दर्शन, होली जैसा पावन पर्व दादी जी के साथ मनाने का मौका। आमंत्रित कलाकार भजन गायक नवीन जी जोशी कोलकाता, मूलचंद जी बजाज कोलकाता, सोनू जी जोशी नोखा। आप सभी से निवेदन है कि आप सह परिवार अवश्य पधारे और दादी जी का आशीष पाएं। निवेदक श्री ढाणन शक्ति भक्त मंडल चूरू। फिक्र नहीं हमें तो फक्र है, दादी जी की सेवा करना ही हमारा फर्ज है। है खुश नसीब वो दादी जी के प्रेमी जिनका नाम दादी जी के दिल में दर्ज है। दादी जी सदा आप पर अपनी ममता लुटाती रहे, जय श्री दादी जी की। मेरी मैया होली खेलन में मेरी मैया हो जा तू तैयार फागन आयो रे। सादुलपुर के स्टेशन सड़क मार्ग पर आज एक स्कॉर्पियो गाड़ी चालक ने गाड़ी को तेज गति से बैक लिया, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया व एक दुकान में ये जाकर टकराई, जहां पहले से खड़े एक व्यक्ति की गाड़ी की चपेट में आ जाने के कारण मौत हो गई। वहीं यह पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई व सड़क पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सरदार शहर के जीडी मित्तल स्कूल में विज्ञान दिवस के अवसर पर एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वैद्य बजरंगलाल सोनी, युवा शक्ति मंच के अध्यक्ष अभिषेक पारिक व मित्तल कॉलेज के प्राचार्य सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान से संबंधित अनेक मॉडल्स का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य रमाकांत शर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। Dogs that start falling down on the earth in the form of rain and this water vapor. This process is called water cycle. Celebrated Science Day and students, they prepared some models. They were working static and Indian government emphasizes on a scientific approach to develop in the students. So Raman effect that was given by C.V. Raman, our great scientist of India. So to make it memorable for the students, Government of India started this Science Day
And today you have seen that so many activities or models or projects has been made by the students, and they have been working hard on these projects, and we saw that there is a tremendous potential among them. And the motto of such kind of activities like Science Day, the CBSC as well as the modern education always emphasize that we have to bring out the latent talent of the students. So we celebrated Science Day today, and models were fantastic. All the parents who visited today's this exhibition, they were very much happy and overwhelmed that their kids have done a tremendous job. तारानगर के जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान में आज वार्षिकोत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामगढ़ शेखावाटी के पालिका अध्यक्ष मुजमिल भाटी व तारानगर तहसीलदार तेजपाल गोठवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। वहीं मोहम्मद अजीज खींची लोहिया कॉलेज चूरू के छात्र संघ अध्यक्ष देवव्रत मोगा फैसल पहाड़खानी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट रहने वाले विद्यालय के छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज रेलवे के उच्च अधिकारियों ने रेलवे की सुरक्षा को लेकर मॉडल द्वारा विद्यार्थियों व शिक्षक गणों को अवगत करवाया व नियम संबंधित विभिन्न जानकारियां दी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य महावीर प्रसाद शर्मा व भुवनेश्वर शर्मा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। तो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम पीरियड में उसके छत पर ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं, तो उसमें इसमें इससे क्या होगा कि जैसे बिजली की गाड़ी चलेंगी तो उसमें क्या है करंट जो है ना 25,000 वोल्टेज है, तो ये क्या दो मीटर की दूरी से उसको खींच लेता है। जब भी आग लगाता है तो छत का उपयोग नहीं करना है। राजलदेसर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत लाचड़सर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के आदेशानुसार गुणवत्ता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 2 से 7 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य चेतन चौहान व अध्यापक जसराज दहिया के सानिध्य में परीक्षा का आयोजन रखा गया। रतनगढ़ में जगह जगह खुले पड़े नालों से आम जन तो परेशान है ही, वहीं यह पशु भी परेशानी का सामना करने पर मजबूर है। रामचंद्र पार्क से शिववाड़ी तक डाली गई गंदे पानी की लाइन के कारण चैम्बर खुले पड़े हैं, जहां पर आए दिन वाहन चालक इसका शिकार हो रहे हैं। वहीं आज सुबह रास्ते से जा रहा एक ऊंट जिसका पैर नाले में फंस गया, जिससे उसकी जान शामत में आ गई। वहीं आसपास क्षेत्र के लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई व ऊंट का पैर विभिन्न तरीकों से निकालने का प्रयास किया गया। चूरू के वार्ड नंबर 59 में स्थित मारुति भवन में वार्डवासियों की ओर से आयोजित भागवत कथा में सुखदेव के जन्म पर प्रवचन देते हुए कथावाचक अनिल शास्त्री ने कहा कि कथा के सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आयोजित भागवत कथा में आज सभापति पायल सैनी ने पहुंचकर व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर कथा के आयोजक पंडित विजय कुमार शर्मा ने कथावाचक का स्वागत किया। पंडितानी जी ने दरबार खोला, खोलते ही पंडित जी ने फल निकाल करके कहा और कहा देवी आज एक बहुत उच्च कोटि के भजनानंदी साधु मिले थे जिन्होंने मुझे फल दिया है, तू पाले अपने घर की रतनगढ़ में आयोजित युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र चूरू व चेतना युवा संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। रामचंद्र पार्क के पास स्थित IPS एकेडमी में लायंस क्लब के अध्यक्ष जय कुमार बियाला के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा अधिकारी मोहम्मद अनवर कुरैशी, नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वयक मंगल जाखड़ व प्रदीप धड़ मंचस्थ अतिथि थे। चेतना युवा संस्थान के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय आवासीय शिविर में जिले की 40 युवतियों ने भाग लिया है, जिन्हें युवा नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया गया। भादरा तहसील के गांव कलाणा में आज नव भारत फाउंडेशन के अध्यक्ष सुभाष चांदोरा के तत्वाधान में
विशाल बेटी बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली बेटी बचाओ जन आंदोलन के जनक और राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर गणेश राग के नेतृत्व में किया गया। सुनीता देवी पब्लिक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभाओं और अतिथियों का सम्मान किया गया। घर घर से है ये आवाज, बेटा बेटी एक समान। घर घर से है ये आवाज, बेटा बेटी कलाना की है ये आवाज, बेटा बेटी एक समान। कलाना की है ये आवाज, बेटा बेटी एक समान। कलाना की है ये आवाज, बेटा बेटी एक समान। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। चलो बुलावा आया है ढांढण वाली दादी जी ने, आप सभी भक्तों को अपनी नगरी ढांढण धाम बुलाया है। श्री शक्ति धाम मंदिर ढांढण धाम में होली महोत्सव का उत्सव होली के चंग दादी जी के संग 10 मार्च 2020 दिन मंगलवार को शाम 6 बजे से भावपूर्ण भजन संध्या से होगा। विशेष आकर्षण भजन कीर्तन, भव्य दरबार, अखंड ज्योत, आकर्षक श्रृंगार, 56 भोग और फूलों की होली। होली खेलन में मेरी मैया। इस मौके पर आने वाले लोगों को विशेष लाभ, दादी जी के दर्शन, होली जैसा पावन पर्व दादी जी के साथ मनाने का मौका। आमंत्रित कलाकार भजन गायक नवीन जी जोशी कोलकाता, मूलचंद जी बजाज कोलकाता, सोनू जी जोशी नोखा। आप सभी से निवेदन है कि आप सह परिवार अवश्य पधारें और दादी जी का आशीष पाएं। निवेदक श्री ढांढण शक्ति भक्त मंडल चूरू। ओहो फागण, फिक्र नहीं हमें तो फक्र है, दादी जी की सेवा करना ही हमारा फर्ज है। है खुश नसीब वो दादी जी के प्रेमी जिनका नाम दादी जी के दिल में दर्ज है। दादी जी आयो होली को त्योहार, दादी जी सदा आप पर अपनी ममता लुटाती रहे। जय श्री दादी जी की। मेरी मैया होली खेलन में मेरी मैया, हो जा तू तैयार फागण आयो